हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुडे स्टडीज। तो आज हम लोग नेक्स्ट ग्राफ देखने वाले हैं y = 10x का, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में थर्ड नंबर में आता है। y = 10x, तो इसके ग्राफ बनाने के लिए आप लोग यहां पे पहले y एक्सिस एंड x एक्सिस को ड्रॉ कर लें। ये हमारा y एंड x एक्सिस हो गया, एंड वर्टिकल लाइन यहाँ पर आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं इसके ग्राफ बनाने के लिए, क्योंकि इसका ग्राफ कुछ y = xq के ग्राफ जैसे ही होता है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आप लोग यहाँ पे वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, तो इसका ग्राफ में क्या होगा, पहले आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, फिगर को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह का हमारा y = 10x का ग्राफ हो गया। एंड इस साइड में भी आपको वैसे ही करना है y = 10x में। तो ये तो हमारा फिर से वही हो गया ओरिजिन, जिस इसको ओरिजिन की तरह हम लोग मान लेते हैं। एंड ये दोनों डिस्टेंस हो गया, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए, एंड इधर भी वैसे ही डिस्टेंस इक्वल ही रहना चाहिए। तो हमारा y = 10x का ग्राफ बनेगा। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसका ग्राफ बनाने के लिए, तो कुछ इस तरह का हो गया। एंड हम लोग इधर में भी वैसे ही कर लेंगे, ये राइट हैंड साइड का होगा एंड ये लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही हम कर लेंगे। क्या करना होगा हमें, फिर से इसे अगर हम लोग ओरिजिन की तरह मान लेते हैं, तो इसको ग्राफ बनाने के लिए यहाँ से एंड ऊपर से कुछ ऐसा, तो ये हमारा बन जाएगा ग्राफ किसका, y = 10x का इस तरह से। एंड ये जो हमारा पॉइंट है वो तो ओरिजिन हो गया, यानी कि 0, और इसमें ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया हमारा π/2 वाला पॉइंट, ठीक है। एंड ये वाला पॉइंट हो जाएगा -π/2, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, अगर ये π/2 है तो ये पॉइंट होगा π, एंड फिर से ये हो जाएगा 3π/2। ये पॉइंट हो जाएगा -π एंड ये हो जाएगा -3π/2। तो कुछ इस तरह से इसका नेम दे दिए, ठीक है। एंड इसमें अगर हम लोग डोमेन रेंज की बात करें, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, y = 10x का डोमेन क्या हो जाएगा। 10x करने का मतलब sin x / cos x होता है, sin x / cos x। नीचे में हमारा आया cos x, तो जहाँ पे अगर कॉस एक्स का वैल्यू 0 होगा तो वहाँ पे ये ग्राफ डिफाइंड नहीं होगा। कॉस एक्स का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ये तो ग्राफ अनडिफाइंड हो जाएगा ना। तो कॉस एक्स का वैल्यू हमारा 0 जहाँ पे होगा, ये ग्राफ तो डिफाइंड नहीं होने वाला, यानी कि ये इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज टोटली आर में से हम लोग को माइनस करना पड़ेगा कॉस एक्स के रेंज को, तो 2n + 1 × π/2, क्योंकि यहीं पे कॉस एक्स के रूट आते हैं। कॉस एक्स के रूट हमने बताया था 2n + 1 × π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ किसका, π/2 का। और साइन एक्स का क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ, सॉरी, इवन मल्टीपल ऑफ π/2। तो यहाँ पे डोमेन हो जाएंगे इसके 10x क्या, r - 2n + 1 × π/2। एंड इसका रेंज के बारे में बात करें, रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, तो रेंज तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इधर -∞ जाएगा, -y एक्सिस में टोटली -∞ की ओर चला जाएगा, एंड ऊपर में आप लोग देख सकते हैं +∞ की ओर जा रहा है, ये इसको टच नहीं करेगा। तो इसका रेंज तो क्या हो गया, -∞ से +∞, मतलब टोटली आर हो गया। एंड इसका रूट क्या हो सकते हैं, जैसे हमने बताया था साइन एक्स का रूट हो सकता है n π, कॉस एक्स का रूट होगा 2n + 1 × π/2। तो
टेन एक्स का रूट क्या होगा? अगर हम लोग टेन एक्स के रूट के बारे में बात करें, यानी कि एक्स एक्सिस पे को जितनी बार ये ग्राफ कट करेगा वो इसका रूट कहलाएंगे, तो इसका रूट आ जाएंगे क्या, एन पाई। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये पाई बाई टू तो नहीं कट किया, जीरो कट किया, एन का वैल्यू जीरो डाल सकते हैं यहाँ पे, एन इज इक्वल टू हो सकता है जीरो वन टू डॉट 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 कुछ भी हो सकता है, एन का वैल्यू जीरो से लेकर कहीं पर अगर वन डालते हैं तो आ जाएगा पाई पाई को यहाँ पे कट कर रहा है। देन एन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जीरो वन टू डॉट डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पे पाई फिर आएगा टू पाई, थ्री पाई बाई टू पे इसका रूट नहीं आ रहा, देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को पाई पे, टू पाई पे, थ्री पाई बाई टू पे या पाई बाई टू पे नहीं कट कर रहा। अब हम लोग इसमें क्या बात करेंगे, पीरियड के बारे में, ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं। तो यहाँ पे पीरियड इसका क्या हो जाएगा, पहले ये फंक्शन पीरियोडिक है, तो यस ये फंक्शन पीरियोडिक है, यहाँ पे बोल सकते हैं यस, क्योंकि ये ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है इधर भी इधर भी, तो ये फंक्शन पीरियोडिक हो गया। एंड इसका पीरियड क्या है, तो जीरो यहाँ पे आया, फिर पाई बाई टू तक ये ग्राफ गया और इधर माइनस पाई बाई टू तक, फिर पाई से स्टार्ट हुआ और इधर पाई बाई टू तक और इधर थ्री पाई बाई टू तक, तो इस ग्राफ का लेंथ कितना है यहाँ पे, तो माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक, तो इसका पीरियड क्या हो गया, पाई। तो यहाँ पे बोल सकते हैं पीरियड हो जाएगा इस ग्राफ का क्या, पाई हो जाएगा, तो इस ग्राफ का पीरियड हो गया पाई। अब इसमें अगर हम लोग ये फंक्शन बॉन्डेड है या नहीं, तो ये फंक्शन बॉन्डेड है या नहीं, तो ये फंक्शन बॉन्डेड नहीं है, क्योंकि इसको बॉन्ड नहीं कर सकते, इधर माइनस इन्फिनिटी की, इधर माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है एंड इधर प्लस इन्फिनिटी की ओर, यानी कि ये फंक्शन ना तो लोअर बॉन्डेड होगा और ना ही अपर बॉन्डेड, क्योंकि ये फंक्शन बॉन्डेड है ही नहीं। तो y इक्वल टू टेन एक्स के ग्राफ में हमें ये सब बातें ध्यान रखना है। नेक्स्ट ग्राफ होगा हमारा y इक्वल टू कॉट एक्स का, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो वाला ग्राफ देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।